हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटर्स। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द क्वाड्रिलेटर। सो व्हाट इज क्वाड्रिलेटर? हैव यू एनी आइडिया क्या होता है? आइडिया है आपको क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं? देखो, जस्ट सी, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स विच हैव अ फोर साइड्स, 1, 2, 3 and 4. इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर्स। क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल रीड ऑल अबाउट द क्वाड्रिलेटर्स, इट्स प्रॉपर्टी एंड द सॉल्यूशंस। क्लियर? तो स्टार्ट करें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीज मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स इन द चैप्टर 6 and 7, एंड यू नो दैट द जॉइनिंग ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स इन पेयर द फिगर्स हो ऑब्टेन इट्स ट्राइंगल। मीन्स आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वह ऐसे ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है, और कोलिनियर है। अगर तीनों लीनियर होते तो ऑल 3 पॉइंट्स आर लीनियर, देन इट्स मेक द लाइन, बट ये कोलिनियर है, 1, 2, 3 एंड तो इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। देन नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट्स एंड सी व्हाट वी ऑब्टेन इन ज्वाइनिंग देम इन पेयर्स इन सम ऑर्डर। ओके, जब आपने 3 पॉइंट ज्वाइन किए तो हमको ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब जब 4 पॉइंट्स हम भी ज्वाइन करते हैं कोलिनियर हो, देन व्हाट वी विल गेट, 1, 2, 3, 4। तो व्हाट इज दिस? इट इज क्वाड्रिलेटर। तो देखो, फर्स्ट शेप देखो, सारे लीनियर है, 1, 2, 3 तो लीनियर है, देन 1 कोलिनियर है ट्राइंगल, एंड दिस 1, 2, 3, 4, तो दिस वन शेप। तो 1, 2, 3, 4 डिफरेंस है ना सब में। तो देखो, नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर वी ऑब्टेंड अ लाइन सेगमेंट, एंड इफ 3 out of 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन गेट अ ट्राइंगल, एंड इफ नो 3 पॉइंट आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर वी ऑब्टेन द क्लोज फिगर विथ 4 साइड्स। तो एग्जाम्पल 3 and 4। ये सच अ फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पेयर्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर्स। मतलब 4 पॉइंट्स हैं, उसको हमको ज्वाइन करना है, तो जो शेप फॉर्म होगी इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर्स। देखो, इन दिस बुक वी विल कंसीडर ओनली क्वाड्रिलेटर्स ऑफ द टाइप गिवन 8.1 थर्ड, दिस वन, बट नॉट द गिवन फिगर 8.1। तो इन दिस चैप्टर वी ओनली लर्न अबाउट फिगर थर्ड। क्लियर? नॉट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, वी विल लर्न ओनली दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। क्लियर? अब देखो, सच अ फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर ऑफ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर्स। दिस अ क्वाड्रिलेटर हैज अ 4 साइड। क्लियर? 1, 2, 3 and 4 एंड 4 एंगल, 1, 2, 3 and 4 एंड 4 वर्टेक्स, ए बी सी एंड डी, 4 वर्टेक्स। तो क्वाड्रिलेटर्स में क्या क्या कंटेन है? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साइड्स, सेकंड 4 एंगल्स, थर्ड 4 वर्टेक्स। क्लियर? और ट्राइंगल में क्या था? 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स, और ये क्वाड्रिलेटर है तो इसमें 4 होंगे। क्लियर? और एक और चीज, अब जो ए और सी को मैंने ज्वाइन किया एंड बी एंड डी को ज्वाइन किया, तो ये मेरे क्या हो गए? डायगोनल, जिसको अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा था, तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल। तो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द 4 साइडेड, ए बी सी डी आर 4 वर्टेक्स, यस, एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स। क्लियर? नाउ जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स ए एंड सी एंड बी एंड डी। क्लियर? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, तो ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, 3 proper their properties and especially those of parallelograms. You may wonder why should we study about quadrilaterals? Why? Because the quadrilaterals and its property we use in daily life, in near you, around you. Clear? So just
लुक अराउंड यू एंड यू विल फाइंड सो मेनी ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. यू मे ऑब्जर्व द फ्लोर, द वॉल, सीलिंग, विंडो ऑफ योर क्लासरूम एंड द बैकग्राउंड, ईच पेज ऑफ डस्टर एंड ईच पेज ऑफ बुक एंड द टॉप ऑफ द स्टडी टेबल. क्लियर? तो इन सब की शेप कैसी होती है? क्वाड्रिलेटर होती है ना. जैसे आपने बोर्ड्स देखा है, वॉल देखी है, आपने डस्टर देखा है, तो उनकी शेप पे एज ए फोर साइड्स होती है, तो इट इज कॉल्ड, इस शेप इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर शेप. क्लियर? तो जस्ट सी द एग्जाम्पल. बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल्स है. ऑल थ्रू मस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड आर द शेप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स कॉल्ड द रेक्टेंगल. वी शैल स्टडी मोर अबाउट क्वाड्रिलेटर एंड एस्पेशली पैरेलोग्राम बिकॉज अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेलोग्राम. पैरेलोग्राम की आपने शेप देखी है? ऐसी अपोजिट साइड इक्वल होती है. क्लियर? तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेलोग्राम एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलोग्राम आर ट्रू फॉर द रेक्टेंगल एज वेल. क्लियर? यस. अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स. अब मुझे बताओ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था. तो अब क्वाड्रिलेटर के तीनों फोर एंगल्स का सम कितना होगा? गैस करो, 360. क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटर्स के फोर एंगल का सम होता है 360 डिग्री. तो लेट अस प्रूव करें. लेट अस नाउ रिकॉल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर. द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360. क्लियर? दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ड्रॉइंग अ डायगनल एंड डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटर इंटू टू ट्राइंगल्स. अब देखो हमने कोई क्वाड्रिलेटर लिया है, दिस वन. अब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब डायगनल खींचना है ए सी. तो अभी मेरे दो ट्राइंगल फॉर्म हुए, वन एंड टू. क्लियर? दो टू ट्राइंगल्स हो गए. तो ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटर, ए सी बी और डायगनल. यस. तो वॉट इज द सम ऑफ द एंगल ए डी सी. अब ए डी सी, अब कोई सा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन ट्राइंगल ए डी सी लिया मैंने, अपर ट्राइंगल. देन डी ए सी, ए सी डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू, सम इक्वल टू 180 डिग्री. देन द लोअर ट्राइंगल ए बी सी. यस, ए बी सी लिया. देन सी ए बी प्लस ए सी बी, देन एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? अब देखो कैन वी एड वन एंड टू, वन और एड टू को एड करेंगे. क्लियर? अब हमने एड किया, मिस आर एच एस साइड एड होगी और एल एच एस साइड एड होगी. क्लियर? तो अब आर एच एस देख लो, ये पूरी आर एच एस, सॉरी एल एच एस एंड ये आर एच एस. ठीक है, एल एच एस एड कर दो, आर एच एस एड कर दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एज इट इज लिख लेंगे, डी ए सी, ए सी डी प्लस एंगल डी, ये फर्स्ट टर्म थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन. यस. फिर सी ए डी, ए सी बी और एंगल बी, ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को ऐड कर दिया. अब इधर क्या हो गया, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 हो गया. क्लियर? अब देखो ए डी, ए सी ए डी और सी ए बी, देखो डी ए सी और सी ए बी, ये एंगल एक एक है कि नहीं? देखो इस एंगल को देखो, डी ए सी, डी सी ए और ए सी बी, ये पूरा एंगल सी है कि नहीं है पूरा? तो यस, मैं इसको एज एज एंगल सी लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ. तो बस मैंने यही किया, इसको लिखा मैंने, हाँ एंगल डी ए सी प्लस सी ए बी, इसको एंगल ए लिख दिया, और ए सी डी और ए सी बी को मैंने एंगल सी लिख दिया. तो बस एंगल सी पुट कर दी मैंने, तो एंगल ए, एंगल ए डी ऑलरेडी था और बी ऑलरेडी था. अब मैंने पुट क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री. तो हैंस प्रूव कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. क्लियर? यही हमको प्रूव करना था, हो गया. यस. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. देखो मोस्ट ऑफ आपको सारे पता होंगे कि क्वाड्रिलेटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी. देखो लुक एट द डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स ड्रॉन बिलो. फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी शेप है, सेकंड ऐसी है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है. थर्ड वन, दिस इज
आपको सोचते जाना ये ट्राइंगल, ये मतलब ये जो भी क्वाड्रिलेटर है वो कौन कौन से है और क्या टाइप है, आप सब जो उसके नेम मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। थर्ड वन दिस, ये कौन सी है? फोर्थ वन, देखो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसकी भी ऑल साइड इक्वल है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फोर्थ और फिफ्थ में? देखो आपको सोचते जाना। और फिफ्थ शेप मेरी ऐसी कुछ है लाइक अ काइट, क्लियर। अब मैं बताऊं आपको, फर्स्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी 8.5 फिगर वन। अब 8.5 की सारी इमेज डिस्कस करेंगे कि यू आर राइट और नॉट, जो आपने गैस किया था ना वो आपका सही है कि नहीं है, करेक्ट क्लियर। फर्स्ट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, यस ये दोनों पैरेलल थी ना, तो यू नो दैट दिस इज अ ट्रेपोजियम, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड द ट्रेपोजियम। नेक्स्ट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, अब देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल, तो इट इज कॉल्ड द पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, ये पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो इट इज अ टाइप ऑफ पैरेलोग्राम। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इन पैरेलोग्राम एन आर एन एस सॉरी एम एन आर एस फिगर 8.5 का 3 दिस डायग्राम, ये एज ए रेक्टेंगल दिख रहा है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करें, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एंगल एम इज राइट एंगल। देखो ट्राइंगल में सॉरी रेक्टेंगल में वन एंगल राइट एंगल होता है, वन क्या ईच एंगल राइट एंगल होता है, पर जस्ट में एज अ स्टार्टिंग में राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, देन अपोजिट साइड इक्वल होती है इसके, जो आप अपोजिट होती है ना जस्ट अपोजिट वाली वो। वॉट इज द स्पेशल पैरोग्राम कार ट्राई रिकॉल, इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल, क्लियर रेक्टेंगल है ये। नेक्स्ट द पैरेलोग्राम ई डी ई एफ जी फोर्थ वन, ये वाला देखो, अब ये वाला कौन सा पैरेलोग्राम है? हैज अ ऑल इक्वल साइड, इसमें सारी साइड्स इक्वल है, एंड वी नो दैट इट इज अ रोम्बस। देखो रोम्बस की शेप कुछ ऐसी होती है जिसमें फोर साइड्स इक्वल होती है, क्लियर। और जो मेरा स्क्वायर होता है उसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट इसमें जो ईच एंगल है ना वो 90 डिग्री हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, तो इसलिए रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है। तो जो ए बी सी डी की फोर्थ इमेज है ना वो मेरी फोर्थ ऑल साइड आर इक्वल, वी नो दैट इज कॉल्ड द रोम्बस। नेक्स्ट पैरेलोग्राम ए बी सी डी फिफ्थ इमेज है, ए इज 90 डिग्री, आई ऑलरेडी टोल्ड ए इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड इक्वल, इट इज कॉल्ड द स्क्वायर। अब ये वाली साइड मेरी स्क्वायर है फिफ्थ वन। अब देखो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी 8.56 ए डी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी बी, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज नॉट अ पैरेलोग्राम इट इज अ काइट। अब देखो डिफरेंस मैं बताती हूँ, इसकी शेप देखो आप कुछ, इसमें ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और अपर साइड वाली दोनों इक्वल है लोअर साइड वाली, तो ये तो मेरी पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं रखता है, क्योंकि पैरेलोग्राम में क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेलोग्राम, सो इट इज अ इट इज कॉल्ड द काइट। काइट शेप होती है ना पतंग, जो आपने देखी होगी काइट की, वो शेप है ये, क्लियर। तो नोट दैट द स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर द पैरेलोग्राम, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेलोग्राम है, रेक्टेंगल वो भी एक तरह का पैरेलोग्राम है, थर्ड वन रोम्बस, रोम्बस भी एक तरह का पैरेलोग्राम है। देखो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल भी है ना, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, चाहे उसमें चारों साइड इक्वल है, लेकिन वो एज अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी रखता है, एंड ऑल्सो रोम्बस, और स्क्वायर रोम्बस भी है क्योंकि स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल है, तो वैसे रोम्बस की प्रॉपर्टी भी रखता है। देन अ पैरेलोग्राम इज अ ट्रेपोजियम, और जो पैरेलोग्राम जो है वो ट्रेपोजियम भी है, बिकॉज उसकी जो अपोजिट साइड है टू अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ट्रेपोजियम में ये होता है।
पैरेललोग्राम में, क्लियर। अब काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, देखो काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं है बिकॉज इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट, अ ट्रेपेज़ियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेज़ियम है वो पैरेललोग्राम नहीं है बिकॉज, देखो ट्रेपेज़ियम की शेप मेरी ये थी, फर्स्ट वन ये थी कि नहीं थी, तो ये पैरेललोग्राम है क्या? इसकी दो साइड इक्वल है, अब रिमेनिंग टू साइड से वो पैरेलल नहीं है, तो वह इट इज नॉट द पैरेललोग्राम। इन अ ट्रेपेज़ियम वी रिक्वायर बोथ पेयर ऑफ पैरेलल, हाँ इन अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम में कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसकी बोथ साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ट्रेपेज़ियम में ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें वन पैर ही पैरेलल है, अदर नहीं है, इसलिए ये ट्रेपेज़ियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्लियर। अब देखो ये फिगर देखो 8.6 के, आप दोनों फिगर ऑब्जर्व करो, ये फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। अब आप मुझे बताओ इस दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कहोगे मैम मुझे एक तो रेक्टेंगल लग रहा है, गुड। सेकंड आप बोलोगे मैम मुझे पैरेललोग्राम लग रहा है, वेरी गुड। दोनों फर्स्ट वन रेक्टेंगल है और सेकंड वन पैरेललोग्राम है। अब आप बोलोगे इन दोनों के एरिया तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जस्ट अपने दिमाग में आइडिया आ रहा है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इनको दोनों का एरिया तो बिल्कुल सेम होगा ना, क्योंकि शेप तो वही है, बस खाली थोड़ी ट्विस्ट तो कर दी। नहीं, पर ऐसा नहीं है। देखो आज एक नई चीज आपको पता चलेगी, देखना। हियर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीपी इंटू ए बी, अब पैरेललोग्राम का एरिया ये है डीपी दिस इंटू ए बी, दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी इंटू सी डी is as DP जो है less than AD. Generally sweet shopkeeper cut burfi in the shapes of parallelogram to accommodate more pieces in the same tray. Okay, see the shape of burfi before you eat the next time. Clear? Because आपने कभी देखी है कि ना जो स्वीट शॉप पे हम जाते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ देखना आप इस शेप में ही होगी स्वीट्स, जो ऐसे कभी भी ऐसे ऐसे शेप में स्वीट्स नहीं रखी जाती है, बिकॉज जनरली स्वीट शॉपकीपर कट बर्फी इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम टू अकोमोडेट मोर पीसेज इन द सेम ट्रे, क्योंकि एरिया कम होता है इसका तो मोर पीसेज हम पुट कर सकते हैं ट्रे में, और अगर हमने रेक्टेंगल शेप में काटी तो हमको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा और पीसेज कम होंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ जो बर्फी की शेप होती है वो पैरेललोग्राम शेप में ही होती है। लेट अस रिव्यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम learned in earlier classes. अब the properties of parallelogram. अब हम property पढ़ेंगे कि अभी तो हमने type देखे गए थे कि types of parallelogram क्या है, अब हम पढ़ेंगे properties क्या होती है इसके, तो करें start. Let us perform an activity. Cut out the parallelogram from the sheet of paper and cut it along the diagonal. You obtain two triangles. You can say these. What you say about these triangles? आपने कोई parallelogram लिया, उसको यहाँ से फोल्ड किया डायगोनल से एंड देन उसको कट किया, तो आपको टू एंगल्स टू ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। देखो अपर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स है, ठीक है। प्लेस वन ट्राइंगल ओवर द अदर, टर्न वन अराउंड इफ नेसेसरी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्व दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब आपने कोई पैरेललोग्राम लिया, उसको आपने कट किया, मतलब डायगोनल से आपने कट किया, दो टू ट्राइंगल्स है, आपने फोल्ड किया, दूसरे को ओवरलैप किया, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, क्लियर। लेकिन आपने जैसे ही उसकी शेप घुमाई तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, एक एक पोजिशन पे ही वो एज ए कॉन्ग्रेंट और ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, क्लियर। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम, ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो ईच टाइम आपका पैरेललोग्राम होगा ना वो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा और वॉट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्लियर। अब लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट, थ्योरम 8.1 स्टार्ट करेंगे। देखो थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। समटाइम इन एग्जाम्स इन द बुक वी आस्क ऑनली डायरेक्ट द थ्योरम्स, क्लियर। थ्योरम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, so you have to do all the theorems, clear, as well as question. So theorem 8.1, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles, ye humko prove karna hai. Let ABCD is a parallelogram and AB AC be a diagonal. dekho ABCD koi parallelogram hai aur AC mera uska
डायगोनल है. ऑब्जर्व दैट द डायगोनल ए सी डिवाइडेड पैरेललोग्राम ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स नेमली ए बी सी एंड सी डी ए. वी नीड टू प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम लिया, देन उसको ए सी एक मैंने डायगोनल से इसको कट किया मैंने. अब हमको ये प्रूव करना है कि जो दोनों ट्राइंगल फॉर्म में ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमको ये प्रूव करना है. क्लियर. क्वेश्चन समझ में आ गया, करें स्टार्ट. अब देखो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, नोट दैट बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल. क्लियर. ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम, इसलिए अपोजिट साइड इक्वल होगी. और जो ए सी है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है. कुछ याद आया प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, जब टू लाइन्स पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. क्लियर. और द सेम साइड ऑफ द एंगल इज एडिशन इज 180 डिग्री. प्रॉपर्टी याद आई, तो देखो अब हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज लेंगे. देन ए बी सी ए बी सी ए दिस एंगल, ये एंगल क्योंकि जेड पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल इट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल. देन बी सी ए एंड डी ए सी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ए बी पैरेलल टू डी सी है, देन ए सी इज द ट्रांसवर्सल. बी ए सी और डी सी ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. क्लियर. ये फर्स्ट वन हमने लिख लिया, उसके बाद में ए सी इक्वल टू ए सी, ये अब दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये मेरी कॉमन है. तो देखो टू एंगल्स एंड वन साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी. तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए की बाय द एंगल साइड एंगल रूल से. क्लियर. सो और डायगनल ए सी डिवाइडेड पैरेलोग्राम ए बी सी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, देन वी ऑल्सो फाइंड ए बी इक्वल टू डी सी एंड डी इक्वल टू बी सी. वाई, बिकॉज इफ यू प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल विल बी इक्वल. क्लियर. तो हम दोनों एंगल को हमने ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन उसकी हर साइड एंड हर एंगल मेरा इक्वल होगा. देन वी कैन इजीली से ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. यस, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट बिलो. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल. अब जस्ट हमको पैरेललोग्राम दिया है एंड देन अपोजिट साइड आर इक्वल, हमको ये प्रूव करना है. तो बस सेम प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके देन वी कैन इजीली से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो देन उसके बाद में आप साइड को भी आप इक्वल लिख सकते हो बाय द सिंप्लिसिटी रूल. क्लियर. चलो इफ द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल सो इट इज कन्वर्स. अब थ्योरम 8.3 देखो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर. मतलब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. मतलब उसके साइड इक्वल है तो हमको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है. बस सेम वही दोनों ट्राइंगल हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दीजिए, देन उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल थी, देन उसके बाद में उसके एंगल भी इक्वल होंगे. तो आप ये वाला एंगल जो ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर सकते हो कि इक्वल है. अब जब ऑल्टरनेट एंगल है इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, और जब पैरेलल लाइंस है देन इट वी कैन इजीली से इट इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर. तो देखो लेट्स साइड ए बी एंड सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंड ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है. अब ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट. वाई, अब बताओ आप क्यों है, बिकॉज इसमें हमको गिवन क्या क्या है. देखो इस ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड कॉमन है. देन वी कैन इजीली से ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए. क्लियर. ये वाई का रीजन बता रही हूँ आपको मैं, ठीक है. देन नेक्स्ट एंगल बी ए सी और सी डी. अब देखो अब जब दोनों एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा. अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गए जेड पे फॉर्म करें, इसका मतलब हैंस प्रूव कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई आपस में. तो वी कैन इजीली से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर. थ्योरम देखिए 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल.
अब पैरेललोग्राम हमको दे दिया और उसकी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमको ये प्रूव करना है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो नाउ द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वारिलेटर्स एंड रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम लाइन इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल, वी कैन सी दैट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। सो वी हैव द फॉलोइंग थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट 8.5 थ्योरम देखो। इफ इन अ क्वारिलेटर्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो पूछा क्या है, इफ इन अ क्वारिलेटर, कोई क्वारिलेटर है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा हमको प्रूव करना है। तो देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज अ न्यू प्रॉपर्टी, लेट अस स्टडी द सेम, ड्रॉ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ड्रॉ बोथ इट्स डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। हमको ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, देन ए सी उसका डायगोनल है, हमको ए सी ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट को। मेजर लेंथ ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, वॉट यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल, रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर पैरेललोग्राम्स, ईच टाइम यू विल फाइंड ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल। जस्ट सी द एग्जाम्पल 8.10, ये मेरा ए बी सी डी कोई क्वारिलेटर था, देन आपने एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे किया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है ना, वो जो डायगोनल है AO डायगोनल OC के इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर वो पैरेललोग्राम है तो, और OD इक्वल होगा OB के, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो अब देखो 8.6, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमको ये बताना है बस, जस्ट ये वाली हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी ना कि जब वो पैरेललोग्राम है तो वो आपस में इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे दो लाइंस है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और अगर रिमेनिंग दूसरी लाइन है वो 3 है तो इधर वाली भी 3 होगी, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। क्लियर समझ में आया? मतलब दोनों अगर 4-4 की है तो 4 ही होगी, अगर ये वाला डायगोनल मेरा 8-6 का है तो यानी 3 ये वाली होगी और 3 ये वाली होगी, इसका मतलब ये है। क्लियर? अब देखो नाउ वॉट वुड हैपन इफ इन अ क्वारिलेटर द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर विल बी द पैरेललोग्राम। इनडीड दिस इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज द कन्वर्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम 8.6 एंड इट इज गिवन बिलो। देखो ये सारी थ्योरम्स वाइस वर्सा है, मतलब एक अपोजिट पैरेललोग्राम पूछा है, देन हमको प्रूव करना है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, अब अपोजिट साइड इक्वल है देन हमको उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरम फॉर्म हो सकती है और हमको एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बी प्रिपेयर फॉर द ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो हमको सबकी प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो मेरी थ्योरम 8.7, इफ अ डायगोनल ऑफ द क्वारिलेटर्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो जस्ट अपोजिट पूछ लिया, तो देखो नोट दैट 8.11, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है। यस देखो 1- है यानी वो दोनों इक्वल है, अभी डबल डैश है तो यानी ओ डी इक्वल टू ओ बी। यस देन एंगल ए ओ बी, वेयर इज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी दिस वन, क्लियर, और सी ओ डी दिस वन। अब ये कॉन्ग्रेंट हैं, अब आप मुझे बताओ वाई, इस वाई का रीज़न आप दोगे क्योंकि अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है सारे क्वेश्चन की, तो अब आप मुझे बताओगे क्यों, चलो बताओ फटाफट। दो ट्राइंगल मैंने दे दिया आपको, अब देखो उसमें आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल है इसके, दिख रहा है ना, ए वन साइड इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, टू एंगल। एक रीज़न और मैं आपको नया बताती हूँ, जब टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते कि नहीं होते। यस, तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो मैं कौन कौन से बता रही हूँ, ये दो साइड इंटरसेक्ट करिए तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल इक्वल होंगे, देन वी कैन ईजीली से के इट इज ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू सी ओ डी बाय द रूल ऑफ टू, दो साइड इक्वल है और उनके एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये इस वाई का रीजन ये है। क्लियर? आपको पूरा सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है कि वाई, क्योंकि ये तो बुक में लिख दिया, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी से यूज लिया, क्योंकि अब
सब जानते हैं कि अब आप काफ़ी होशियार हो गए और आपको सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली वाई लिखा, ये आपका माइंड टेस्ट करने के लिए। बट आपको आती है तो इसको आप खुद से सॉल्व करो और खुद से लिखो। अब देखो नेक्स्ट, ए ओ बी, ए ओ बी दिस एंगल, ए बी ओ सॉरी ए बी ओ दिस एंगल इक्वल टू सी डी ओ दिस एंगल। हाँ आप बताओ इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, बताओ। जब हमने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन बाय द सिंपलिसिटी रूल ऑल द एंगल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्लियर, देन वी कैन इजीली से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय द सिंपलिसिटी रूल, क्लियर। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि जेड पे फॉर्म हो रहे ना ये एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल है, देन वी कैन इजीली से ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, क्लियर। लेट अस टेक द सम एग्जांपल्स, करें समझ में आ रहा है ना बच्चों, चले आगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, अभी वीडियो पॉज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस सारे एग्जाम्पल करो, देन उसके बाद दो बार प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चन की, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। एक बार रीड करो, देन उसके बाद में वीडियो देखो, देन खुद से करो क्वेश्चन, देन आपको ये कन्फर्मली सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर। करें एग्जाम्पल वन, यस, शो दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ ट्राइंगल। क्या शो करना है, ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, सॉरी जो मतलब रेक्टेंगल का जो ईच एंगल ना वो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट, लेट अस रिकॉल व्हाट इज अ रेक्टेंगल। अब रिकॉल करो माइंड में कि रेक्टेंगल कौन सा था, शेप कुछ याद आई, रेक्टेंगल की शेप कुछ ऐसी होती कि नहीं होती है, अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और ईच एंगल उसका 90 डिग्री होता है। अब हमको पता है 90 डिग्री होता है लेकिन हमको प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। अब देखो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू शो दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब वन एंगल तो हमको पता है, अब ईच एंगल हमको शो करना है। जस्ट आपको देखो एक मैं आइडिया बताती हूँ, आपको पता है एंगल ए 90 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, ये भी 90। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है जिसमें हमने पढ़ा था टू लाइन्स आर पैरेलल, देन जो इंटीरियर साइड में जो एंगल बनते थे उनका सम जो होता 180 डिग्री होता था, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री दोनों का सम। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90, देन वो भी कितना हो गया 90 डिग्री, देन ये 90 डिग्री है, देन अपोजिट एंगल वो भी 90 डिग्री होगा, अब इसका अपोजिट एंगल वो भी 90 डिग्री होगा, देन ऑल ऑफ देम एंगल आर 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। क्लियर समझ में आया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी 180 है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ए 90 हो गया तो बी भी मेरा 90 हो गया, सी इक्वल टू ए और डी इक्वल टू बी क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल, क्लियर, देन एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ऑल्सो 90 डिग्री, देन हैंस प्रूव। करें एग्जाम्पल टू, शो दैट द डायगोनल ऑफ द रैम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो रोम्बस के डायगोनल है ना वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंसिडर द रोम्बस ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए वाई। देखो ये वाई क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि ये बताने के लिए है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपको ये सारे रीजन्स पता है, इसीलिए डायरेक्टली आपको रीजन दिए बिना वाई कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि वाई का रीज़न क्या है। अब आप मुझे बताओ वाई क्यों, मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वाई बताओ। देखो अब क्वेश्चन पढ़े एक बार अपन वापस, शो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, क्लियर, रोम्बस याद आया, तो इसीलिए तो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी डी सारी साइड्स इक्वल हो गई, देन वी कैन इजीली से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब समझ में आया, देन ए ओ डी, ए ओ डी दिस ट्रायंगल एंड सी ओ डी, सी ओ डी दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्राइंगल लिए मैंने। अब देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर। तो देखो अब इसके दोनों साइड्स इक्वल हो गई, देन ओ डी इक्वल टू ओ डी, ओ डी दोनों में कॉमन है, देन ए डी इक्वल टू सी डी, अब ए डी सी डी के इक्वल है, वाई। अब आप मुझे बताओ, बिकॉज इट इज अ रोम्बस एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस, देन वी कैन इजीली से ए डी इक्वल टू सी डी, देन
AOD and COD is congruent by the side congruence rule. Then we can easily say angle AOD, AO, AO or D, this angle equal to COD, this angle. Yes, दोनों angle equal होंगे कि नहीं होंगे, जब congruent prove हो गए दोनों triangle, then by the CPCT rule. अब देखो AOD और COD 180 भी हैं. अब एक बात बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं प्लस ये दोनों 180 भी फॉर्म करें, यानी इक्वल का मतलब यह हो गया कि वो दोनों जो भी, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 40 मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 80 है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों 40-40 के हो गए. क्लियर, ऐसे बोलोगे ना. तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि क्योंकि ये लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 है और दोनों एंगल इक्वल है, तो आप यानी दोनों इक्वल हो गए, हाफ हाफ हो गए, यानी दोनों एंगल कितने हो गए, 90-90 हो गए. क्लियर, थोड़ी बहुत इक्वेशन आपको माइंड में भी करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना. तो बस AOD और COD इक्वल टू 180 लीनियर पेयर में है. अब 2AOD इक्वल टू 180, 2AOD के लिखा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे बाय द CPCT रूल, तो AOD इक्वल टू 90 डिग्री. यही हमको प्रूव करना था कि इसका जो एंगल जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे होना चाहिए. तो आ गया. अब एग्जांपल 3 देखो. ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC एंड AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB. अब हमको शो करना है कि DAC BCA के बराबर है और ABCD जो इज अ पैरेललोग्राम. देखो अब वापस एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब डायग्राम के साथ क्वेश्चन देखते हैं. करें ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल. अब ये ABC है. देखो क्वेश्चन समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप विथ डायग्राम उसको समझो. एक बार आपने जस्ट रीड कर लिया, आप डायग्राम लो, जिसमें डायग्राम है तो आप उसके साथ देखो, अगर नहीं है तो पहले ड्रॉ करो डायग्राम, तो उसके बाद में आपका क्या माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमको करना क्या है. तो ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल. अब बताओ आइसोस्केल ट्राइंगल क्या था, याद करो, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है. ओके, इन विच AB इक्वल टू AC. यस, AB AC के बराबर है. AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC जो, और AD जो है अगर इसको आगे ड्रॉ करते हैं तो वो PAC, ये मतलब पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट करिए, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये यूँ कह रहा है. हाँ, एंड CD पैरेलल टू AB. अब CD का है, CD पैरेलल टू AB, ये इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है. अब हमको शो क्या करना है, हमको ये शो करना है कि एंगल DAC, वेयर इज DAC, ये एंगल और एंगल BAC. ओके, ये दोनों नहीं, DAC सॉरी ट्राइंगल नहीं था, एंगल है DAC, दिस एंगल, ये इक्वल है BCA के, इस एंगल के इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है. सेकंड, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पूरा जो है ना वो पैरेललोग्राम, ये हमको दो चीज़ें प्रूव करनी. करें स्टार्ट. देखो लेट अस ए ट्राइंगल ABC, ABC मेरा कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है. क्लियर, आइसोस्केल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, देन AB एंड AC आर इक्वल, ये गिवन है. एंगल ABC एंड ACB एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स. ओके, हमने आइसोस्केल ट्राइंगल में ये पहले पढ़ा था कि अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. देन क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड. अब देखो, अब एक एंगल देखो PAC, ये वाला, अब ये पूरा एंगल इन दो एंगल के सम से है कि नहीं, सम होगा कि नहीं होगा, होगा, और ये बोला है कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, अभी क्वेश्चन में बोला था ना. तो PAC इक्वल टू ABC प्लस ACB, ठीक है, PAC इक्वल टू, ओके, PAC ये जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और हमने अभी लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और अपोजिट होने चाहिए, जस्ट पास वाला नहीं. तो देखो अब यानी ABC दिस एंगल और ACB दिस एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनके इक्वल लिख दिया मैंने. और PAC देखो, PAC और ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ PAC इक्वल टू 2ACB, दोनों को ACB कर दिया. यस, अब एक चीज़ देखो, जो AD है वो मेरी इस एंगल को बाइसेक्ट भी कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है, तो PAC इक्वल टू 2DAC इस एंगल के बराबर है कि नहीं है,
बिल्कुल है। तो अब 2D PAC के इक्वल टू ACB भी है और PAC के इक्वल टू 2DAC भी है। अब 2DAC इक्वल टू 2ACB हो सकता है, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल पुट कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया तो DAC इक्वल टू ACB है। तो ये एंगल और इस एंगल का इक्वल बराबर आ गया और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। अब सेकंड चीज मेरे को ये प्रूव करने की पैरेललोग्राम है। तो नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स व्हेन द लाइन सेगमेंट BC एंड DC इंटरसेक्ट एट ट्रांसवर्सल AB। अब दोनों पैरेलल लाइंस है तो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो ट्रांसवर्सल AC है मेरी और ये कुछ लाइन। तो अब जेड पे जो एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। तो यस, तो AB पैरेलल है AD के, सॉरी AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। और जब आपस में पैरेलल हो गई देन इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल 4। अब इसमें देखो ये बच्चों, ये सारे प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन की करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएंगे, इसको कम से कम 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करोगे ना फिर आपको क्वेश्चन याद आ जाएंगे। हाँ इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज ली थी, इसमें हमने ये वाला क्राइटेरिया लिया था। इसीलिए तो आपको टफ लग रहा है तो घबराना नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है सारे क्वेश्चन की। क्लियर। जब आज वीडियो खत्म हो जाए देन उसके बाद में आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे कॉपी में, तो आपको ये सारे अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखो। 2 पैरेलल लाइंस L और M है, ये L है और ये M है, आर इंटरसेक्टिंग, ये कोई P से ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करती है। अब हमको शोध करना है तो क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है ना वो ट्राइंगल है, मतलब जो फॉर्म हो रहा है ना क्वाड्रिलेटर वो हमको वो रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो, इट इज गिवन PS पैरेलल टू QR एंड P ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट देम एट द पॉइंट A एंड C। मतलब ये कि P और Q दो लाइन्स है और P उसको इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे? A और Q पे। हाँ, A और C पे, A और ये C पॉइंट पे। क्लियर। और हमको ये प्रूव करना है कि जो अंदर जो फॉर्म हो रहा है ना वो रेक्टेंगल है। तो बाइसेक्टर PAC, अब देखो PA और C ये एंड AC एंड Q दिस वन, ये इन दोनों को देखो एक बार आप, इंटरसेक्ट एट B। अब ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए दोनों अगर जो क्रॉस होके, एंड बाइसेक्ट ऑफ द ACR एंड SCC एट D और ये दोनों बाइसेक्ट होके पॉइंट D पे जा रही है। क्लियर। तो वी हैव शोन दैट द क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो PAC ट्राइंगल देखते, एंगल देखते जाओ, PA और C ये एंगल इक्वल है ACR के, ये देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है और Z पर जो एंगल फॉर्म होते हैं वो अल्टरनेट एंगल, तो इक्वल है बिकॉज अल्टरनेट एंगल ऑफ L एंड M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये दोनों एंगल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, दोनों में हमने हाफ इंटू कर दिया। अब जब मैंने हाफ इंटू किया तो PAC का हाफ क्या है? BAC, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इसको हाफ ऑफ PAC BAC लिख सकती हूँ और हाफ ऑफ ACR ACD लिख सकती हूँ। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए, दिस फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइन AB एंड CDC विथ AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड AB पैरेलल टू AC। अब देखो, अब ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स, ये वाली जो पैरेलल लाइंस होगी ना तभी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। देन वी कैन इजीली से AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD और हमको ABCD पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो PAC और CS इज इक्वल टू 180 डिग्री, PAC और CA, सेकंड क्या है CAS दिस, ये 180 डिग्री है ना कि नहीं, पूरा लीनियर पैर है। यस, तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, पूरे इक्वेशन में हमने हाफ का इंटू कर दिया। तो हाफ ऑफ PAC मेरा क्या था बताओ? BAC था, हाफ ऑफ CAS मेरा CAD था, उसका हाफ एंगल हो रहा था ना, इक्वल टू 90 डिग्री।
अब बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी और सी ए डी। अब ये देखो, ये पूरा एंगल है, इस एंगल का हो गया मेरा सम 90 डिग्री, यहाँ आ गया 90 डिग्री, और ये मेरा पूरा क्या है, बी ए डी हो रहा था ना पूरा, यानी बी ए डी मेरा 90 डिग्री हो गया। अब ए बी सी डी इज अ पैराग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देन अदर एंगल ऑल्सो विल बी 90 डिग्री, देन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल 5 एंड एक्सरसाइज 8.1 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तब आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके आइएगा, देख के आइएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे, और प्रैक्टिस करनी है मस्ट। ओके बच्चों, ओके।